बहुत सुनहरे मौका है जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही है या जिन बच्चों के विवाह बार बार उनकी बात बन के टल रहा है ऐसे बच्चों के लिए बहुत सुंदर मौका आया है दो दिन का बारह सितंबर और तेरह सितंबर का बारह सितंबर के दिन प्रदोष व्रत है मंगलवार के दिन और तेरह सितंबर को शिव चतुर्दशी है यानी कि शिवरात्रि है भाद्रपद मास की भाद्रपद मास की शिवरात्रि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से सावन की शिवरात्रि और फरवरी में महाशिवरात्रि आती है वो महत्वपूर्ण है उतनी ही ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहते हैं कि इस शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की और माँ पार्वती की जो एक संयोग की बात की जाती है वो तो है ही उसके साथ ही माँ काली का भी जन्म इस दिन यानी कि उत्पत्ति उनकी इसी दिन हुई थी भाद्रपद के शिवरात्रि को तो ये दोनों ही दिन बहुत ही चमत्कारी दिन है दोनों दिन में आप जो भी उपाय करना चाहें भोलेनाथ के लिए वो जरूर करें चाहे छोटा सा ही क्यों ना करें माता पिता करें चाहे बच्चे करें मैं बता देती हूँ आपको दोनों ही दिन के लिए क्योंकि हमारे पास दो दिन है और दो दिन में प्रदोष काल में आप इस उपाय को कर सकते हैं देखिए जो प्रदोष व्रत होता है उस दिन तो प्रदोष काल में पूजा होती ही है लेकिन शिवरात्रि के दिन निष्ठा काल में पूजा होती है लेकिन रात्रि में आप शीता काल के समय आप जाग नहीं सकते हैं उतनी रात्रि तक क्योंकि रात को बारह बजे अड़तालीस मिनट पहले और अड़तालीस मिनट बाद का समय जो होता है वही पूजा का होता है इसलिए दोनों ही दिन में प्रदोष काल में आप उपाय कर सकते हैं छोटे छोटे उपाय बताऊंगी आपको दोनों ही दिन के पहले बताती हूँ प्रदोष काल का उपाय किस प्रकार से करना है आपको जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही है वो खुद करते हैं तो और अगर उनके माता पिता करते हैं तो एक तो अगर आपके पास केसर हो तो विवाह के लिए जिस तरह से बहुत ही अचूक माना जाता है केसर जल में डाल के भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है और अगर केसर ना हो तो मंगलवार का दिन है आप थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए जल में और मीठा जल कर लीजिए और उसको आप अपने घर में ही चाहे कर लें आपके घर में शिवलिंग हो अपने मनोकामना पूर्ति के लिए मीठे जल का अभिषेक करने के बाद भोलेनाथ के सामने बैठकर कर ग्यारह बार शिव चालीसा का पाठ करें और उसके बाद से ग्यारह बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है क्योंकि सभी जानते हैं कि भोलेनाथ ही हनुमान जी का अवतार हैं उनका रुद्र अवतार जो है वो हनुमान जी हैं इसलिए आपको ग्यारह बार तो शिव चालीसा का पाठ करना है और ग्यारह बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है बस इसके अलावा आपको अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करना है बहुत आसान सा छोटा सा है शिव चालीसा आप हमेशा पढ़ते हैं हनुमान चालीसा आप हमेशा पढ़ते हैं आप सबको बिना देखे भी याद रहता है आप व्रत कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं लेकिन इतना छोटा सा ये काम आप जरूर कर सकते हैं बच्चों के तुरंत विवाह योग बनेंगे मंगलवार के दिन मीठे जल का अभिषेक किया हुआ बच्चों के जितने भी दोष हैं विवाह के मंगल दोष है चाहे दूसरा कोई दोष है वो दूर होगा इसके अलावा भोलेनाथ को कोई अन्य चीज़ें जैसे आप अपने घर में अर्पित करना चाहते हैं धूप दीप आप अर्पित करेंगे ही क्योंकि सभी जानते हैं कि भोलेनाथ की पूजा में दीपक प्रज्वलित जरूर किया जाता है और विशेष तौर से जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि भोलेनाथ के पास अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए दीपक प्रज्वलित करें तो हमेशा आटे का दीपक प्रज्वलित करें क्योंकि वो बहुत तुरंत और जल्द आपको उसके परिणाम देखने को मिलते हैं शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और अब बात करते हैं आगे की अगर शिवरात्रि के रात आपको उपाय करना है बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए तो आप किस प्रकार से उपाय करेंगे शिवरात्रि का उपाय बताना शुरू करती हूँ उससे पहले आपको नमस्कार आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वीना शर्मा शिवरात्रि जो है वो तेरह सितंबर को है यानी कि बुधवार के दिन पड़ रही है जिसे शिव चौदस भी कह सकते हैं आप जिसे मासिक शिवरात्रि भी कहते हैं आप वो शिवरात्रि आपको तेरह सितंबर को है और तेरह सितंबर के दिन आपको भी प्रदोष काल में ही पूजा कर लेनी चाहिए क्योंकि आप रात्रि में नहीं जाग सकते लेट तक और उसके साथ ही मंदिर भी बंद हो जाते हैं तो मंदिरों में भी करके आना चाहें तो नहीं कर सकते इसलिए शिवरात्रि के दिन आपको प्रदोष काल में ही पूजा कर लेनी चाहिए प्रदोष काल में आप नहाएँ जरूर जैसे कि प्रदोष व्रत में भी मैंने बताया था कि शाम के समय पूजा करें तो आपको उस वक्त भी ज़रूर नहा लेना चाहिए और शिवरात्रि वाले दिन भी प्रदोष काल में पूजा करें तो आपको जरूर नहा लेना चाहिए अब यहाँ पर बात आती है कि शिवरात्रि वाले दिन जो कि इस भाद्रपद शिवरात्रि पर माँ काली का अवतरण हुआ था तो आपको काले शिवलिंग की पूजा करनी है अब काला शिवलिंग आप देख लीजिए घर में हो आपके तो बहुत अच्छी बात है अन्यथा आप काला शिवलिंग जिस मंदिर में भी हो वहीं आपको पूजा करके आना चाहिए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अगर बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना की पूर्ति आपको तुरंत और जल्द रिजल्ट देखने हैं तो आपको काले शिवलिंग की उस दिन पूजा करनी चाहिए काले शिवलिंग पर आपको उस दिन एक तो आप आ, काम कर सकते हैं कि जो बच्चे खुद कर रहे हों उनको बहुत आसान है इस काम को करना कि काले शिवलिंग पर आप जब पूजा करें तो एक नारियल अर्पित करें सूखा नारियल ही हो चाहे अर्पित करें लेकिन वो किस प्रकार अर्पित करना है कि आपको उस नारियल को आपकी जो नाभी है लड़के हो चाहे लड़कियां हो अविवाहित आपकी जो नाभि है नाभि के ऊपर से सात बार बार लीजिए और फिर भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए और बाद में उसे कहीं कोई पानी की व्यवस्था हो तो पानी में प्रवाहित करके आ जाइए इसके साथ ही भोलेनाथ की जब आप पूजा करें धूप दीप करें तो दही जरूर अर्पित करें भाद्रपद शिवरात्रि को आपको दही थोड़ा सा ही चाहिए सही चाहे आधा चम्मच ही भोलेनाथ को जरूर अर्पित करना चाहिए ये इस अमावस्या या शिवरात्रि पर आया हुआ है कि आपको दही भोलेनाथ को जरूर अर्पित करना चाहिए चाहे आगे अमावस्या आ रही है अमावस्या के दिन भी आप दही अर्पित कर सकते हैं अब बात आती है कि इसके अलावा आप भोलेनाथ को उस दिन क्या अर्पित करेंगे जो विशेष आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा माँ काली का जब अवतरण हुआ है इस दिन तो भोलेनाथ को काजल जरूर अर्पित करना है काजल जो काला होता है अगर आपके पास नई डिबिया कोई पड़ी हो जैसे आप यूज़ करते हैं जो काजल उसको तो ना करें लेकिन जो काजल की नई डिबिया हो छोटी सी कोई या ले आए बाजार से तो उसमें से एक बिंदी भोलेनाथ को आप जरूर अर्पित कर दीजिए उस दिन और उस दिन भोलेनाथ का जो मंत्र जाप करना है नमे शिवाय आपको मंत्र जाप नहीं करना है उस दिन आपको आपको उस दिन ओम कालेष्वराय नमः का जाप करना है ओम महाकालेश्वराय ओम महाकालेश्वराय का जाप करें या ओम रुद्राय नम है ओम रुद्राय नमह का भी आप जाप कर सकते हैं इसलिए उस दिन भोलेनाथ की विशेष अलग से पूजा होगी काली चीजों से पूजा होगी अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं और अगर माता पिता कर रहे हो बच्चों के विवाह के लिए तो फिर वो नारियल का उपाय नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नारियल जो है ये नाभि के ऊपर से सात बार वार कर ही भोलेनाथ को अर्पित करना है इसलिए इस उपाय को बच्चे अलग से करें और माता पिता करें तो काजल की टिक्की लगा के बिंदी लगा के और अर्पित कर दें और दही अर्पित कर दें बच्चों की मनोकामना पूर्ति के लिए और ओम महाकालेश्वर आय का जप कर दें उस दिन आप देखेंगे आपकी तुरंत मनोकामना पूर्ण होगी काली बिंदी माँ पार्वती यानी कि माँ काली के रूप में वहाँ पर विराजमान रहेगी और आपकी तुरंत मनोकामना पूर्ण होगी शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होगी आप देखेंगे बिल्कुल भी देरी नहीं होगी आपको तुरंत एक दो दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद